अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई लास्ट सेशन में जो हमारी प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसमें हमने अपनी सोशल एग्जिस्टेंस बना ली थी, पेज बना लिया था, फॉलोइंग इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना ली थी। अब हम जो है वो बिजनेस मैनेजर में आ गए हैं। बिजनेस मैनेजर ओपन करने का तरीका ये होता है business.facebook.com, यहाँ पे आके बिजनेस मैनेजर ओपन होता है। वैसे तो कुछ थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको इन डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी, तो कुछ वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं भी कुछ बातें मैं रिपीटेटिव करूँ तो अच्छा है, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान ही हो जाएगी। अब आपके पास ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी। बेसिकली मैं तो बहुत सारे बिजनेसेस मैं हैंडल कर चुका हूँ और बहुत सारे एसेट्स हैंडल कर चुका हूँ अलग अलग चीज़ों से, तो वो सारा डेटा मेरे पास हो रहा है और एक नई प्रोफाइल बनाना कोई ठीक से कम काम नहीं है। तो बेसिकली आपके पास सारा ये एम्प्टी आ रहा होगा और यहाँ पे बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेंगे और ये बिजनेस यहाँ पे मैनेजर इस तरीके से आ रहा होगा और बिजनेस की आप सेटिंग में मेन स्क्रीन जाने के लिए ना बिजनेस की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप गौर ना करें, आप सीधा बिजनेस की सेटिंग में आ जाए। तो बिजनेस की सेटिंग में जब आ जाएंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें जैसा मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि ये एक मैनेजर है, मैनेजमेंट लेवल की चीज़ है, इसको मैनेजमेंट के लिए बड़ा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ऐसे कि कोई भी बिजनेस होता है ना तो उसके जो एसेट्स होते हैं वो अलग अलग रोल्स असाइन होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप उसमें पहले तो एसेट्स डालते हो सारे, किचन अलग बनाओगे और वेटिंग एरिया अलग बनाओगे और फिर जो उसकी जो क्रॉकरीज हैं, कुकिंग का सामान है, मतलब किचन एक अलग डिपार्ट है, फिर कस्टमर डीलिंग एक अलग डिपार्ट है, फिर इन्वेंट्री और सोर्सिंग और वो उसकी परचेजिंग और वो जो प्रोक्योरमेंट है वो पूरी, वो एक अलग डिपार्ट, ये तीन डिपार्टमेंट होगा ना। फॉर एग्जांपल तो आपके पास तीन डिपार्टमेंट है और बंदे आपके पास हैं फॉर एग्जांपल दो, तो आप पहले बंदे को दो काम असाइन कर देते हो, प्रोक्योरमेंट और किचन जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई, या तीसरा बंदा आपके पास शेफ़ है तो उसको आपने किचन असाइन कर दिया कि किचन का एक्सेस तुम्हारे पास है, तुम्हारी तुम्हें आपने उसको किचन की चाबी दे दी है, और प्रोक्योरमेंट वाले को आपने चाबी दे दी है, प्रोक्योरमेंट की मतलब उसको पैसे दे दिए आपने, बिल दे दिए, जो भी प्रोसीजर है वो दे दिया, कस्टमर सपोर्ट को आपने यूनिफॉर्म वगैरह ये वो एरिया का एक्सेस और ट्रेनिंग दे दिया। तो आपके पास आपकी मर्ज़ी है किस बंदे को आपने क्या देना है, किस बंदे से क्या एक्सेस लेना है। तो बेसिकली सबसे पहले ये चीज़ यही होती है, पीपल आपकी टीम में जितने बंदे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास जो एसेट्स हैं मेन एसेट्स वो पेजेस हैं, सही है, कि आपके पास जितने पेजेस हैं उनका आपके पास एक्सेस आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज का एक्सेस मैं इसको पहले वाले बंदे को दूँ, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल बासित भाई को दूँ मैं या पहला वाला पेज जो है, तो मैं पहला वाला पेज सेलेक्ट करके पीपल में जाके यहाँ पे ऐड पर्सन करके ये सब समझ लें, फॉर एग्जाम्पल एडिट नहीं है, खाली होगा शुरू शुरू में, तो आप ऐड पीपल ऐड करेंगे तो वो पहले वाले बंदे के पास एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि हम इतना प्रैक्टिकल बाद में आपको जब काम बढ़ेगा आपका तब आप करेंगे, तो इतना प्रैक्टिकल हम नहीं करा सकते ज़्यादा, क्योंकि इन डेप्थ कोई नीड नहीं है, बस सिंपल सा आप यहाँ ऐड करेंगे, बंदे का वो नाम पूछेगा और ऐड करेगा, फिर आपसे वो उसके बाद इन्विटेशन जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसके बाद पेज का एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ एक ही जगह से आप सारे पेजेस, सारे बंदे, सारी टीम मैनेज कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कल को आप बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, आपके पास 30-40 क्लाइंट्स हैं, 5-10 बंदों की टीम है, उस 10 बंदों में किस बंदे को कौन सा पेज असाइन करना है, किस बंदे को कौन सा ऐड अकाउंट असाइन करना है। फॉर एग्जांपल ऐड अकाउंट भी जैसे आपको पता है एक एसेट है पूरा, तो ये वाला ऐड अकाउंट में भाई कितने बंदे हैं, ये तीनों बंदों का साइन है, मैं एक बंदे का एक्सेस हटाना चाहता हूँ, हटा सकता हूँ, उसको देना चाहता हूँ, उसको दे सकता हूँ। और फिर मैं उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट्स मेरे कितने यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं और इसमें कौन कौन से बंदों का असाइंड है एक्सेस, तो वो सब भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पिक्सल्स कितने एक्टिव हैं और पिक्सल्स में कितने बंदों को मैं एक्सेस दे सकता हूँ और क्या एक्सेस देने हैं क्या नहीं देने, तो वो भी हो सकता है। फिर इस पिक्सल में पिक्सल क्योंकि ऐड अकाउंट से कनेक्ट होता है ऐड अकाउंट, फिर यही पिक्सल जो है वो वेबसाइट से कनेक्ट होता है, जैसे हम थ्योरी में आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी अगर आपको वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है समझने में, वरना आपको मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशंस नहीं है। तो पिक्सल्स जो है वो वेबसाइट से कनेक्ट होता है,
ठीक है, आपकी वेबसाइट से डेटा पिक्सल में आ रहा है और ये पिक्सल हमने ऐड अकाउंट में डाल दिया तो सारा ऐड अकाउंट में डेटा शो हो जाएगा और यहाँ से आप उसकी टारगेटिंग ऐड वगैरह सब रन कर सकते हैं। और ये ऐड अकाउंट जो है इसके पास क्या एक्सेस है को पता नहीं, पेज के पास भी कोई ज़्यादा एक्सेस नहीं है, तो आपके पास जो बंदों के पास एक्सेस होगा वही अंदर ही अंदर सबके पास कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साकिब के पास ये पेज कनेक्टेड है, साकिब के पास ये पिक्सल एक्सेस है, साकिब के पास अगर ये ऐड अकाउंट एक्सेस है तो ये साकिब जब ऐड अकाउंट खोलेगा तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें अंदर से भी कनेक्ट कर सकता है क्योंकि वो तीनों चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरह से व्हाट्सएप अकाउंट सेव होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सेव होती हैं। फिर आपके डोमेन्स जो ब्रांड सेफ्टी के लिए क्या आपका डोमेन है आप यहाँ पहले मेंशन कर देता कोई और मेंशन ना करे वो आप यहाँ सेव कर लेंगे और वो करेंगे। तो वही बगैर फिर और टाइम लगाए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट चीज़ सिस्टम है, इस तरह से आप मल्टीपल बिजनेस भी अपने बना सकते हैं। फिर उन बिजनेस में अलग बिजनेस पार्टनर्स को बिजनेस यहाँ पर रिक्वेस्ट के थ्रू और एक और ऑप्शन होता है पार्टनर्स, इसके थ्रू आप खुद भी दूसरे बिजनेस का एक्सेस भी इस बिजनेस में ले सकते हैं और दूसरे बिजनेस में अपने बंदे असाइन कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा लॉन्ग स्केलेबल और बड़ा स्केलेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो लोग चलाते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन डेप्थ। खैर फिलहाल हमें जस्ट एक ऐड अकाउंट चाहिए, पीपल तो हम एक ही बंदे हैं वो हम हैं, एक पिक्सल चाहिए। तो हम देखते हैं आप क्योंकि ये बड़ा यूज्ड हुआ हुआ हमारा बिजनेस मैनेजर है तो मे बी हम कुछ इश्यूज ऐसे फेस करें जो आपको फर्स्ट टाइम में ना हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं कि भाई हम पहले अपना सारे ऐड अकाउंट छोड़ के मैं बोल रहा हूँ मैं नया ऐड अकाउंट बनाऊँ तो आप सब भूल जाएं कि ये सब एग्जिस्ट करता है, ये खाली समझेंगे ये खाली है। तो हम न्यू ऐड अकाउंट बना के यहाँ पे ऐड अकाउंट का नाम रखेंगे goodies.pk, ठीक है ये ऐड अकाउंट का नाम हो गया। तो ये हमारे बिजनेस के लिए यूज होगा तो किसी और क्लाइंट व्लाइंट का काम नहीं है, हमारा अपना काम है जस्ट। ओके तो बेसिकली आप इशू ये हो रहा है कि हमारे पास ये जितने भी अकाउंट है इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव बैलेंस 1,000, 2,000, 4,000 किसी न किसी में ये पड़े हुए होंगे। तो उस वजह से हमें ये बैलेंस ऐड एक और ऐड अकाउंट ऐड करने नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली आप समझे पर इसके बाद होता कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ वो अगर आपका आउटस्टैंडिंग तो वैसे नहीं होगा कोई नया अकाउंट पे तो आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करके जो है वो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक न्यू ऐड अकाउंट आ जाएगा। तो हमारा जो ये ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना हुआ है समझ ले ये बन गया, उसके क्लिक करने के बाद ये वो goodthings.pk आ रहा है, इसको हम ओपन इन ऐड मैनेजर करके इसका नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और इस पर बैलेंस भी नहीं है कोई खाली है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एक पिक्सल क्रिएट कर ले पहले कोशिश कर लेते हैं पिक्सल क्रिएट करने की, और पिक्सल का नाम हम रखेंगे गुडीज। और पिक्सल में नाम लाजमी पिक्सल रख देंगे क्योंकि अंदर बाद में कभी कभी इंटीग्रेशन में कंफ्यूज आती है एसेट्स में कि कौन सा एसेट जो है वो पिक्सल है कौन सा एसेट जो है वो एड मैनेजर है वो, तो गुडीज के पिक्सल का हमने लिंक भी इसको दे दिया। अब ये डायरेक्ट पिक्सल इंटीग्रेशन पे आ गया है कि पिक्सल को हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करें, तो पिक्सल इंटीग्रेशन इसके बाद हम करते हैं तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है एक प्लगइन ये देगा हम डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस में जस्ट इंस्टॉल कर देंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले हम ऐड मैनेजर का सेटअप कर लें ताकि कोई पंचायत वाला काम जो है वो इसमें ना हो। और इसमें ये देखें कोई खाली ऐड अकाउंट है बिल्कुल फ्रेश ऐड अकाउंट है, ये ऐड अकाउंट के आगे रिव्यू में आगे उसमें हम और जाएंगे। इसका फ़िलहाल जो है वो हम इसकी सेटिंग में जाना चाह रहे हैं कि ऐड अकाउंट की सेटिंग में बेसिकली पॉलिसी फेसबुक की ये है कि ऐड अकाउंट का जो नाम हो वो ही आपकी वेबसाइट का नाम हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए आपका जो कभी ऐड अकाउंट आप चेंज करें तो उसका नाम जो है ना वो आप चेंज कर लें। तो नाम कहाँ से चेंज होगा, पहले यहीं कहीं सेटिंग में आ रहा होता था ऑप्शन,
अब यहीं पे इन्होंने बिजनेस मैनेजर में ऑप्शन मेरे ख्याल से ऐड कर दिया है इसका नाम चेंज करने का। तो अल्लाह करें यहाँ से हमें इजाज़त दे दे ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वजह से स्टिल, क्योंकि ये बहुत सारे अकाउंट हैं और पता नहीं कितना कितना इसमें बैलेंस होगा, क्योंकि थोड़ा अरसा गुजर गया हमें 8-9 महीने ये काम किए हुए ये सब। तो हमारे जितने भी चैप्टर्स थे वो सब हम क्लोज कर चुके हैं, अब बस आप लोगों को एक जर्नी दिखानी है पूरी कि काम होता कैसे है, और इन डेप्थ जर्नी की कोशिश है कि इन डेप्थ जर्नी दिखाई जाए, तो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम सिर्फ ऐड अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, हमने ऐड न्यू अकाउंट किया तो वो ऐड अकाउंट बन गया, उसमें हम नाम हम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन अभी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को चेंज कर रहे हैं तो उसका हमें नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो हम नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे बिजनेस मैनेजर में आके फिर ऐड अकाउंट के अंदर आके फिर इसके अंदर वो अकाउंट सेट करके यहाँ से सेटिंग में जाके उसका नाम चेंज कर रहे हैं। तो ये पेज अटक गया है मेरे ख्याल से, तो इसको हम एडिट करते हैं। तो ये नाम जो है हम चेंज करके लिख देते हैं ऐड अकाउंट अपडेट हो गया, ठीक है भाई। तो वापसी चलते हैं पिक्सल इंटीग्रेशन में। पिक्सल इंटीग्रेशन के लिए हम सीधा डेटा सोर्स में आया और यहाँ पे ऐड न्यू पिक्सल कर दिया और डेट न्यू पिक्सल करके अपने नाम दे दिया। अब इस पिक्सल का मतलब है कि ये समझ लें पिक्सल एक सिंपल, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल से, कि ये एक डेटा केबल है, जैसे मोबाइल की डेटा केबल मोबाइल को और कंप्यूटर को कनेक्ट कर देती है, इस तरह से ये एक डेटा केबल है जो आपकी वेबसाइट goodgoodies.bk आपका जो ऐड अकाउंट है ये goodthings.bk का ऐड अकाउंट इसको कनेक्ट कर देगी, तो डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा दोनों एसेट्स में, वेबसाइट और फेसबुक के ऐड मैनेजर में, मतलब फेसबुक और वेबसाइट में डेटा ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। तो फेसबुक को पता लग जाएगा जब भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स आएंगे कैंपेन से, जब वो ऑर्डर करेंगे तो फेसबुक वो डेटा यूज़ करके और अपनी रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। इसके बगैर इंटीग्रेशन के कभी भी कैंपेन्स कन्वर्जेंस की ना चल सकती हैं ना आप चलाइएगा, क्योंकि आपके पैसे ज़ाया होंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये पिक्सल जब इंटीग्रेशन में हम जा रहे हैं कि सेटअप ना हो पे, तो पार्टनर इंटीग्रेशन हमने यूज़ करनी है, चाहे आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, या वूकॉमर्स तो है वो वर्डप्रेस ही है, तो इसके अंदर वूकॉमर्स का अलग से ऑप्शन आएगा, वर्डप्रेस का अलग से ऑप्शन आएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसीलिए CMS हम यूज़ करते हैं कस्टम कोडिंग पे। आजकल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं किसी को कि नॉर्मल वेबसाइट या नॉर्मल सेटअप के लिए आप कस्टम कोडिंग कस्टम डेवलपमेंट कराएं, इंतहाई इलॉजिकल स्टेप है। इतनी रीजनेबल सिक्योरिटी इन सेटअप्स में होती है, रीजनेबल फीचर्स बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे होते हैं जो आपको 4-6 महीने बाद याद आएंगे कि मुझे चाहिए और वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होगा, लेकिन कस्टम कोडिंग में आप बहुत खर्चा करके भी आप डेवलपर के ताबे रहेंगे और डेवलपर आपका जो हशर नशर करेगा वो आपको बता नहीं सकता मैं। तो पार्टनर इंटीग्रेशन सेलेक्ट करते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम वर्डप्रेस को देख के फौरन झपट्टा नहीं मारना, क्योंकि देखिए वर्डप्रेस करूँगा तो ये अलग चीज़ है। हम वर्डप्रेस से अंदर आ गए थे प्लगइन इंस्टॉल करके वूकॉमर्स, तो हम वूकॉमर्स का प्लगइन डाउनलोड करेंगे ताकि ये कन्वर्जन्स के सेल्स के इवेंट्स वगैरह सब खुद ब खुद जो है वो डाउनलोड वो सेटअप कर देगा। ये पता नहीं बंद क्यों हो गया, तो इसको इवेंट मैनेजर में ओपन करके दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। इवेंट मैनेजर बेसिकली समझ लें पिक्सल की सेटिंग का पेज है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेटअप पिक्सल का। इतने सारे पिक्सल हैं मेरे, ये सिर्फ एक बिजनेस एसेट में। API के थ्रू आके हमने जो है वो पार्टनर इंटीग्रेशन दोबारा सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें वो सारे ऑप्शन देगा जो हमने क्लोज कर दिए थे। क्लोज करने मतलब क्लिक करते ही वो कॉमर्स से बंद हो गया था, तो उम्मीद करते हैं इस बार बंद नहीं होगा, ठीक है। तो इसने अब आपको प्लगइन दे दिया डाउनलोड करने के लिए, तो बेसिकली सिर्फ करना ये इस प्लगइन को डाउनलोड करना है, अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाना है,
उसको इंस्टॉल करके एक्टिव करना है, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है कनेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, और फिर पिक्सल आपका आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। उसने फेसबुक फॉर वूकॉमर्स वो फाइल दी। अब हम अपनी वेबसाइट के जो है वो एडमिन पैनल पे आएंगे, और यहाँ पे ये वाली प्लगइन जो अभी हमने डाउनलोड की है सिर्फ इसको इंस्टॉल करेंगे। तो उम्मीद हमेशा में अच्छी की होती है कि उसके बाद हमारी प्लगइन जो है वो इंटीग्रेशन पिक्सल हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। बस आपको बिजनेस मैनेजर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ क्या है, पिक्सल क्या है, एड मैनेजर क्या है, और यूज़र्स किस तरह से हैंडल होते हैं, तो फिर इतनी रॉकेट साइंस सेटअप में नहीं है, सेटिंग अप करने में चीज़ों को। तो यहाँ पे कहाँ है प्लगइन, कहाँ है यार तेरी, इंस्टॉल ऐड न्यू प्लगइन्स। तो अपलोड प्लगइन, अब क्योंकि हम सर्च नहीं करेंगे, अपलोड करेंगे, क्योंकि उसने जो हमें फ़ाइल दी एग्जैक्ट वही फ़ाइल हमें डाउनलोड करके अपलोड करनी है। यहाँ से सर्च करके कुछ इंस्टॉल ना कर देना, क्योंकि उस फाइल में हमारा पिक्सल का जो एग्जैक्ट हमारा पिक्सल है उसकी डिटेल है, और वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो वही देगा। कहाँ डाउनलोड हुआ है भाई ये, हुआ है हमारा डाउनलोड, अल्लाह भला करे। मैं ये रहा के अंदर फेसबुक और वूकॉमर्स में इसको इस कोर्स के अंदर डाल देते, और फिर फेसबुक और वूकॉमर्स इसको हम इंस्टॉल कर लेते। सही है, इंस्टॉल हो गई, एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्लगइन को। नेट तंग करता है यार। ये प्लगइन इंस्टॉल हो गई है, इसकी सेटिंग वेटिंग यही मैं उम्मीद कर रहा था, यहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग ओपन करेगा ये, तो देखते हैं इस प्लगइन की कोई पेज वेज ओपन करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि यहाँ पे ये एक्सेस वैक्सेस मांगता है आपकी पेज का वेज का। तो is almost ready to complete your configuration, complete the setup steps. तो इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कोई इसको, ये वाला स्टेप हमने कर लिया, प्लगइन एक्टिवेट कर लिया, और फिर कनेक्ट टू फेसबुक का ऑप्शन बोल रहा है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। तो क्योंकि अब फेसबुक हमने इस आईडी में, ये गूगल क्रोम की इस प्रोफाइल में किया हुआ है, तो उस ब्राउज़र में यहाँ पे ये हमारा आईडी सेव नहीं होगी। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये एडमिन पैनल जो है ना, इस प्रोफाइल पर एक बार ओपन कर लेते हैं, ताकि
ये इंटीग्रेट कर ले आराम से, क्योंकि इस ब्राउज़र पे फेसबुक लॉगिन है, तो एक ही ब्राउज़र पे जब लॉगिन होगा तो पासवर्ड मुझे वहाँ पे अलग से आईडी लाल पासवर्ड डालना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है पासवर्ड ब्राउज़र में सेव होगा, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है पासवर्ड, मैं कहीं अलग छुपा के रखता हूँ, सेव रखता हूँ। अभी ओपन करूँगा तो बार बार स्क्रीन बंद खोलनी पड़ जाएगी मुझे। सही है, अब यहाँ पे हम कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि इसी ये देखें हम कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो पासवर्ड हमें शायद बार बार ना देना पड़े। यस हाँ भाई, दे दो एक्सेस दे दो। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपने बगैर देखे आगे नहीं जाना। बिजनेस मैनेजर जो है वो हमारा बिजनेस मैनेजर यहाँ पे कौन सा चल रहा था, जवाद अख्तर बिजनेस, ये दूसरा वाला नहीं सेलेक्ट करना। तो जितने सारे बिजनेस हैं हमारे, ये वाला बिजनेस यहाँ पे देखना कि कौन कौन सा बिजनेस है। अब ये देखें इसमें हमारे पास हमारा पेज ऐड नहीं है, तो गुड गुडीज इसमें ऐड नहीं है। तो पहले हम अपने बिजनेस मैनेजर में जाके इस बिजनेस के अंदर ये वाला पेज हम डालेंगे गुड गुडीज, तो इस पेज को हम पहले सेव कर लेंगे ताकि इस बिजनेस के अंदर ये पेज आ जाए। और फिर यहाँ पे जो हम सिंक कर रहे थे वो अभी, यार ये रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें, दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो पेज का एक्सेस हमें क्योंकि अपने पेज को इस बिजनेस में ऐड नहीं किया था, तो मेरी प्रोफाइल में तो पर्सनल ऐड था लेकिन इस बिजनेस के पास एक्सेस नहीं था, तो मैं इस बिजनेस के थ्रू इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा बिजनेस ये वाला था, इसके अंदर पेज आ गया, ऑप्शन इनेबल हो गया। अब हमने पेज को एक्सेस दे दिया, ये बेसिकली वेबसाइट कनेक्ट कर रहा है। अबे यार इंस्टाग्राम भी हमने कनेक्ट नहीं किया, ऐड प्रोफाइल ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इंस्टाग्राम हम ऐड करें फिर से। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट्स कहाँ थे मेरे, इसमें हम ऐड करेंगे जो कल हमने अपना ये वाला अकाउंट बनाया था इसको, ताकि ये वाला अकाउंट जवाद अख्तर के बिजनेस के पास आ जाए। और एरर आ गया, रिफ्रेश करते हैं कभी कभी, ये इंटीग्रेट करने के बाद ज़रा दे देता है, और इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है बिजनेस नहीं आया।
और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि साथ साथ जब प्रोफाइल ये बनाए पेज बनाए तो कुछ 4, 6, 8, 10 पोस्ट रोजाना, एक दो पोस्ट जब तक आप काम कर रहे हैं करते रहें, ताकि पेज ओरिजिनल जेन्युइन बिजनेस का पेज लगे, जुगाड़ू पेज ना लगे कि डायरेक्ट बनाया आप कैंपेन में घुसे और काम शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा एक बैड रेड सिग्नल होता है फेसबुक के लिए। तो जितना नेचुरल फील लुक दे सकें या नेचुरल प्रोसेस दिखा सकें फेसबुक को वो दिखाएं। तो बाकी तो वो हमसे होशियार है, उससे होशियारी हम नहीं कर सकते। तो इंस्टाग्राम को फिलहाल स्किप कर देते हैं क्योंकि ऐड तो हमारा फेसबुक से चल जाएगा और फेसबुक हमारा एट द एंड जो पेज है वो पेज इंटीग्रेट हुआ हुआ है तो काम खुद ब खुद हो जाएगा। कैटलॉग हमने अभी कोई नहीं बनाया, तो एक नया कैटलॉग बना देते हैं ताकि ये जब सिंक करेगा तो किसी कैटलॉग में अपने प्रोडक्ट सेव करेगा, तो जो भी आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट चेंज करेंगे वो इस कैटलॉग में अपडेट कर देगा। और जब फेसबुक को बोल वो डायनामिक कैंपेन्स का एक ऑप्शन होता है जो आपको एडवांस मिलेगा। आप ये पूछ रहे हैं ऐड अकाउंट कौन सा कनेक्ट करना है, तो ऐड अकाउंट हमारे पास ये वाला जो हमने भी रीनेम किया था या आपके केस में नया बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी लिस्टें नहीं आ रही होंगी, आपके जो अपने पेजेज हैं वो चीज़ें आ रही होंगी, तो इस बड़ी बड़ी लिस्टों से घबराइएगा नहीं। और ये हम अपना गुड गुडीज़ वाला पिक्सल इस पर कनेक्ट करेंगे, तब ये देखिए हमारी वेबसाइट से ये पेज ओपन हुआ और वेबसाइट हमारा पेज इंस्टाग्राम ये वो अब ये सारी चीज़ अपडेट हो गई। तब गुड गुडीज गुड गुडीज गुड गुडीज गुड गुडीज गुड गुडीज और जवाहर अख्तर का बिजनेस, और ये हमारे कनेक्शन हो गया। बिस्मिल्लाह करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। सही है भाई, आप ले लो ये एक्सेस। डन, तो पिक्सल आई गेस इज नाउ फाइनली कनेक्टेड। यस, यू जस्ट ऑथेंटिकेटेड फेसबुक। अब हमने हमारी वेबसाइट पूरी तरह से इस बिजनेस से जुड़ चुकी है, इसका पिक्सल भी कनेक्ट हो गया, इसका एड मैनेजर भी कनेक्ट हो गया, इसका पेज भी कनेक्ट हो गया, और पेज जो है वो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, और पेज जो है वो पिक्सल से कनेक्टेड है, पिक्सल जो है वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो पूरी एक कनेक्शन, एक जाल, एक वेब, एक कनेक्शन हमने बिछा दिया है कि अब हम प्रैक्टिकल कैंपेन्स की तरफ मूव हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपना ये यहाँ से वेरिफिकेशन, जब तक ये ग्रीन सिग्नल नहीं देगा ना ऐड का, तब तक वो नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे आप लिंक देंगे और ये चाहिए अलग से इवेंट सेटअप करने का बोल रहे, तो इधर जो है पूरा लिंक मेरे ख्याल से सेव नहीं करते, ये सिर्फ से भी नहीं आ रहा। पिक्सल में बोल रहा कोई इवेंट नहीं आया, तो इवेंट लाने के लिए इवेंट कैसे आएगा, वो यूजर ही नहीं है। जब कोई यूजर आएगा तो इवेंट आएगा ना, तो यूजर लाने के लिए हम खुद ही यूज़र बन के इसको वेबसाइट को विजिट कर दें, ताकि पिक्सल जो हमने अभी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर दिया है वो पिक्सल में कोई डेटा आया कि भाई बंदा आया वेबसाइट। अब जब वो डेटा आएगा फेसबुक को पता लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगा भाई पिक्सल काम कर रहा है क्योंकि वो डेटा फॉरवर्ड कर रहा है। तो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए एक दो इवेंट भेजना लाजमी है। तो हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, एक ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, लोड हो जाए सही से। एक कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक करके अलग टैब में इवेंट मैनेजर ओपन कर दिया, और यहाँ चेक करते हैं कोई इवेंट रिकॉर्ड कर रहा है कि वो नहीं कर रहा।
यहाँ से हम चेकआउट पे क्लिक करें, और यहाँ से भी इसको एक ऑप्शन दे देते हैं अक्सर, ये हमारा ये एडमिन जब जिस आई डी पैपी से लॉगिन होता है वहाँ से इवेंट फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता, तो goodgoodies.pk यहाँ से हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कि भाई तू खुद ले आ इवेंट, यहाँ से इसी ब्राउज़र पे ओपन करके देख ले पिक्सल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, वेरिफिकेशन हो जाएगी, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। वैसे तो मेरे ख्याल से फिनिश का बटन ओपन है, ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स जब तक शो नहीं होंगे हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी कि इवेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इवेंट आया नहीं आया भाई, इवेंट नहीं दे रहा ये डायग्नोस्टिक में चले जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके देखते हैं कुछ रहा है तो नहीं क्या। अक्सर मुझे याद आ रहा है कुछ डोमेन शोमेन का मसला होता है, इसको पहले डोमेन का हमें एक्सेस देना पड़ता है, ऑटोमेटिक इवेंट भी फेच करे ये, बिल्कुल करे, ये भी इनेबल करना चाहिए आपको कि वो पिक्सल वगैरह आप कभी कभी वर्डप्रेस अपडेट हो जाता है तो वो ये खुद अपने आप को अपडेट कर देगा, आपको मैनुअल सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, या जब तक API अपग्रेड नहीं होती तो आपको डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये पार्टनर कनेक्टेड है हमारा, ट्रैफिक परमिशन में हम अपनी जो डोमेन है ना उसको अलाउ करेंगे कि ये इस डोमेन को अलाउ करे, ताकि हो सकता है ये डोमेन हम जो सिलेक्ट करें सिर्फ वही अलाउ करता हो, तो वो अलाउ ना हुआ हुआ हो, तो इस वजह से वो इवेंट ना आ रहा हो, ठीक है। और सही अलाउ लिस्ट में आ गया, अब हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये इवेंट्स फेच करता है कि नहीं करता। इसको इनकॉग्निटो में भी एक बार जो है हम रिफ्रेश कर लेते हैं, मिनट के हो गए 34 मिनट हो गए भाई वीडियो को, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बड़ा सीरियस टॉपिक है, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको और से समझने की ज़रूरत है, जितना भी टाइम लगे टेंशन नहीं लेनी है आपने, टाइम लगाना पड़ेगा आपको। मैं अपने ऑफिस से इतना दूर आ गया हूँ कि पड़ोसियों के करीब हो गया हूँ, रिसेंटली डिवाइस भी करीब के, लेकिन स्टिल कुछ ब्लॉकेज आ रही है, बीच में छोटी सी दीवार आ गई है या ऐसा कुछ कर रहा है, उस वजह से ये हो रहा है।
तो भाई इवेंट स्नैपी भी फेच नहीं गया, तो यहाँ पे इस फेसबुक सेटिंग पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो भाई सब कुछ तो कनेक्टेड है, तो फिर ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। तो एक काम और करते हैं कि इस अभी देखिए ये भी चैलेंज है, सॉल्व करना है तो करना है भाई, अब कैसे करना है। तो अब हम इस वेबसाइट पे अपना एड ब्लॉक पॉज कर देते हैं कि शायद इस वजह से मसला ना हो रहा हो, और फिर इसको दोबारा ओपन करते हैं अलग टैब। एड टू कार्ट भी कर लेते हैं, चेकआउट भी कर लेते हैं। तो आ गए भाई, एड ब्लॉक की वजह से इवेंट रुका हुआ था, तो चैलेंज पार कर लिया हमने, पिक्सल सेटअप कर दिया, आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी। देखिए चेकआउट हमने इनिशिएट किया, उसने कैलकुलेट कर लिया वो चेकआउट इनिशिएट हुआ है, टू कार्ट हुआ है, पेज व्यू हुए हैं। तो अब अगर ट्रेनर का आप कोर्स ले रहे होते और उसमें उसको ये इशू फेस नहीं आता और आप जो उसे सिखाया वही सिर्फ सीखते, तो क्या आपको कभी पता लगता है कि इस तरह के इशू एड ब्लॉक की वजह से आ रहा होता है या कुछ और आ रहा होता है। मतलब अपने जहन को आपने सिर्फ अभी भी इसमें भी जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस पर लिमिट नहीं करना, आपने अप्रोच देखनी है कि इस तरह से जगह जगह घुस घुस के हम मसलों को उसकी जड़ तक पहुँच के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई मसला किसी का बाप नहीं रोक सकता हमें, हम पूरी कोशिश करके घुसते जाएंगे। ये तो हिम्मत वाला काम है, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं जल्दी जल्दी पहुंच रहा हूँ। आपको टाइम लग सकता है भाई, हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन जितनी आप सॉल्व करते रहेंगे उतना आप फास्ट होते रहेंगे और उतना आप एक्सपर्ट होते रहेंगे। फिर एक्सपर्ट बंदा जब अपनी सर्विस किसी बिजनेस को देता है तो वो उस बिजनेस को वैल्यू देता है, और वैल्यू जब बिजनेस को मिलती है तो बिजनेस अपने कस्टमर से खुश होता है। तो इन शॉर्ट पिक्सल कनेक्ट हो गया, ठीक है भाई, जान छूटी हमारी, एक मुश्किल काम एक मुश्किल मरहला आसानी से अबूर हो गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब हम चलते हैं अपने एड मैनेजर की तरफ। तो अब ये देखें एड मैनेजर में हम कैंपेन्स में आते हैं, ये हमने बेसिकली जो एड इवेंट मैनेजर जो होता है ना वो पिक्सल की सेटिंग समझ लो, इवेंट मैनेजर होता है पिक्सल की सेटिंग का पेज, इवेंट मैनेजर होता है ये, पिक्सल एड मैनेजर से कनेक्टेड है। अब पिक्सल में आपने अंदर आके कुछ करना वरना है नहीं, तो इस एड मैनेजर में जो पुरानी कैंपेन्स हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये एड मैनेजर का एक प्रीव्यू आपके सामने आ गया कि एड मैनेजर ऐसे होता है। अच्छा, इसके बाद में एक चीज़ आपको साथ साथ, बिजनेस मैनेजर ओपन है तो साथ साथ बताते चलूँ कि बिजनेस सेटिंग में जाके या तो ये एड मैनेजर की सेटिंग होती है, बिलिंग में जाके आप अपना कार्ड की डिटेल सेव कर लेते हैं। कार्ड्स के बारे में मैं आपको शायद अलग लेक्चर में दोबारा डिटेल से बताऊं, यहाँ पे मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि शुरू से अभी तक मैं पर्सनली मीज़ान बैंक का जो अकाउंट का अपना एक डेबिट कार्ड होता है वो यूज़ करता हुआ आया हूँ, और उसमें आज तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ, ना कभी लिंक डाउन हुआ, ना कभी ट्रांजेक्शन फेल हुई है, तो वो बेहतरीन चल रहा है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से अभी 7% टैक्स लगता है, 7 to 8% टैक्स लग रहा है। तो इसके अलावा नया पे चल रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है, फेसबुक पे सादा पे चल रहा है, सुनने में कुछ फीडबैक्स इस तरह के लोगों से मिल रहे हैं कि सादा पे जो है वो टैक्स कम ले रहा है, उसके इशूज़ कम है, नया पे में कुछ इशू ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मैं कोई फैक्ट यहाँ पे कंफर्म आपको 100% स्टैंप लगा के नहीं दे सकता। इसके अलावा वर्चुअल कार्ड के ऑप्शन होते हैं आपके पास, UBL के अंदर ऑप्शन होता है वो, और फैसल बैंक के अंदर ऑप्शन होता है। लेकिन फैसल बैंक का जो वर्चुअल कार्ड है उसमें शायद जस्ट 1 लाख पर ईयर की लिमिट होती है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आपका काम चल पड़ा तो 1 लाख आप महीने में आराम से रोल कर जाएंगे।
बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। और उसके बाद जो UVL का मेरे ख्याल से वर्चुअल कार्ड है वो 5 लाख का होता है। वर्चुअल कार्ड क्या होता है, वर्चुअल कार्ड में और मीज़ान के डेबिट कार्ड में फ़र्क है। मीज़ान का डेबिट कार्ड आपका डायरेक्ट 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 आपके अकाउंट से लिंक है, समझ रहे हो, मतलब उसके उस कार्ड को किसी ने एक्सेस किया तो आपके पूरे अकाउंट की पेमेंट निकाल सकता है। लेकिन UBL और फैसल बैंक के जो वर्चुअल कार्ड हैं उसकी लिमिट बहुत कम है, जो इतनी स्केलेबल और यूजेबल नहीं है, लेकिन सिक्योर बहुत है वो। आपको छोटे मोटे इस तरह ऑनलाइन परचेजिंग करनी हो तो वो वर्चुअल कार्ड ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि वर्चुअल कार्ड एक आपका एक नया अंदर ही अंदर एक अलग पॉकेट बना देता है, एक अलग अकाउंट बना देता है। तो आप अपने मेन बैंक अकाउंट से, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, तो आप बैंक अकाउंट की ऐप में जाके उसको बोलते हैं 5,000 रुपये आप मेरे वर्चुअल कार्ड में डाल लो, और फिर वर्चुअल कार्ड में 5,000 आ जाते हैं। अब वो वर्चुअल कार्ड आप जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो सकती, तो आप एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं, आपका मेन अकाउंट का कनेक्ट नहीं होता। तो आज से को तकरीबन 6 साल पहले या 7 साल पहले मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरे साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरा अपना फेसबुक का एड मैनेजर रातों रात हैक हुआ चाइनीज़ अकाउंट से, और वो पूरी रात उसने जो है वो चाइनीज़ ऐड चलाए, और मेरे बैंक में जितना बैलेंस था अल्लाह का शुक्र है उस दिन ज़्यादा नहीं था, और मैंने अपना इसके लिए अकाउंट अलग रखा हुआ था तो मैंने उसमें ज़्यादा पैसे रखे भी नहीं थे, वो सारे पैसे उसने स्पेंड कर दिए और वो आज तक मुझे रिकवर नहीं हुए। तो भाई आपके पास अब एड मैनेजर ओपन है, पिक्सल कनेक्टेड है, वेबसाइट कनेक्टेड है, एकदम VIP काम है। अब करना क्या है, अब हमें प्रोडक्ट्स फाइनल करने हैं और यहाँ पे कैंपेन लॉन्च करनी है, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल्स को फिलअप करना है, खाली खाली भरी हुई हैं, कुछ ऑर्गेनिक पोस्टिंग लगाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स की पोस्ट लगा देंगे जिसकी हम कैंपेन चलाएंगे, ताकि हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा पोस्ट अलग अलग ना करने पड़े। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आपके पास बिज़नेस ओवरव्यू में एक बार अगर और ओपन कर लूँ, बंदों का मैंने आपको बता दिया, बंदे हो गए, पेज आपने अपना ऐड कर लिया, इसमें ऐड अकाउंट आपने ऐड कर लिया, इसमें हमारे केस में हमने रीनेम कर दिया, आपके केस में सिंपल ऐड हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। पिक्सल आपने ऐसे डेटा सोर्स में जाके ऐड कर दिया, और इस पिक्सल को फिर आप कनेक्शन बनाया आपने इससे, वेबसाइट से और बंदों से खुद ब खुद, उसके अंदर जब आप स्टेप करते गए तो तीनों चीज़ें कनेक्ट हो गई। और कोई नहीं भी होती तो आप यहाँ पे आके कनेक्टेड एसेट्स यहाँ पे आ रहा होता है या पार्टनर्स का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप उसके अंदर जो है वो बंदे और उसके ऐड अकाउंट जो है वो असाइन कर सकते हैं। अभी देखिए goodgoodies.bk का जो है खुद ब खुद कनेक्टेड एसेट्स के अंदर ये वाला ऐड अकाउंट कनेक्ट हुआ हुआ है, पिक्सल हमारा goodgoodies वाला पिक्सल कनेक्टेड एसेट में बता रहा है, प्रूफ कर रहा है कि वो हमारे goodgoodies के ऐड अकाउंट से कनेक्टेड है। तो इस तरह मल्टीपल पिक्सल्स मल्टीपल ऐड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है एंटी लैंडलेस बहुत एडवांस लेवल पर आप काम कर रहे हो, बहुत एक ही ब्रांड के मल्टीपल आप जो है वो फ्रेंचाइजेस लेके चल रहे हो और उसमें बहुत सारे अलग अलग पिक्सल आप लेके चल रहे हो, तो वो अभी आप उसको ना ज़्यादा ना सोचें वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। सिंपल सिंपल पिक्सल जो है वो डेटा कनेक्ट करेगा अपनी वेबसाइट से और इस ऐड अकाउंट को देगा, इस ऐड अकाउंट से कैंपेन चल रही होंगी तो वो ऑप्टिमाइज़ करके आपका ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देगा, और इस ऐड अकाउंट में कौन कौन छेड़छाड़ कर सकता है उसका एक्सेस आप यहाँ पे बंदों को दे सकते हैं। कल को आपने अपना काम बड़ा करना है तो यहाँ बंदे ऐड करें, उन बंदों को लिमिटेड एक्सेस देंगे कि वो बंदे ऐड छेड़ सकें, डिलीट ना कर सकें, पेमेंट कर सकें, तो उसके एक्सेस के ऑप्शन यहाँ पे लिमिट आप कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, फिर कैटलॉग खुद ब खुद उसने बना लिया था, उसमें वो वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट अपडेटेड रखेगा इस कैटलॉग में। कल को फेसबुक पे कोई डायनेमिक कैंपेन आप चलाते हैं, यहाँ पे ऐड मैनेजर के थ्रू डायनेमिक कैंपेन सेट करते हैं कि आप अपनी फेसबुक को बोले अपनी मर्जी के प्रोडक्ट फेच करें वो हमारी वेबसाइट से, तो वो कैटलॉग से फेच करता रहेगा, कैटलॉग अपडेट करता रहेगा, तो एक सेटअप हमारा सेटिंग वाला फेज़ एक ही वीडियो में हमने बड़ी तेज़ी से कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप कवर हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो हमारे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको लाजमी लाजमी इन डिटेल्स को पढ़ें, सुने, समझें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें, लाइन बाय लाइन ना सीखें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे वीडियो में कर रहा है मैं वैसे करते हुए जाके अपना काम कर लूँगा, तो भाई फंसोगे कहीं ना कहीं और फंस के रह जाओगे। तो कॉन्सेप्ट 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 स्ट्रॉन्ग रखो प्रैक्टिकल में। तो आज स्क्रीन में ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, कल वो उसको उठा के वहाँ फेंक देगा, कल उस वहाँ से अंदर कहीं और भेज देगा, तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो बजाय किसी ट्रेनर के ताबे होने के, किसी मेंटोर के ताबे होने के, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने बलबूते पे रहें, गूगल बाबा के बलबूते पे रहें, यूट्यूब बाबा के बलबूते पे रहें, और इस तरह कंटेंट से सीखते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिटेल के साथ, इस तरह को आगे बढ़ाते हुए। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।